सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रचार की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। इसी कड़ी में सीएम योगी आज गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि पहले सीएम ने गोरखपुर में सरस्वती विद्या मंदिर, आर्यनगर में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं इसके बाद सीएम कुशीनगर में एक विशाल जनसभा भी करते हुए नजर आएंगे, जबकि देवरिया में राजकीय इंटर कॉलेज में भी जनसभा करेंगे। बता दें कि सीएम योगी इसके बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां काशी में भी एक जनसभा करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगेंगे। सीएम ने गोरखपुर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में अब कानून का राज है। तो निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जहां गोरखपुर में सीएम योगी ने साफ तौर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब यूपी में कानून का राज कायम है, यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो वहीं कुशीनगर और वाराणसी में भी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत को झोंकना शुरू कर दिया है। इसी बीच यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने अकबरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी ज्योत्सना कटियार का प्रचार में समर्थन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव कुर्ते और पैजामे की तरह है, कुर्ता लोकसभा है और पैजामा निकाय चुनाव है। पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि जिस तरह कुर्ते के बिना पैजामा अधूरा है, उसी तरह निकाय चुनाव के बिना लोकसभा चुनाव भी अधूरा है, इसलिए निकाय चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। वहीं दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम के अंत में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष लगातार आरोप की राजनीति कर रहा है। विपक्ष के पास विकास का मुद्दा खत्म हो चुका है, वो सिर्फ माफियाओं की शहादत पर ही बात कर रहा है। ऐसे में जनता कैसे विपक्ष पर विश्वास करे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक लोगों का विश्वास बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि निचले निकायों में बेहतर प्रदर्शन और काम करने की जो शैली है बीजेपी के कार्यकर्ता की, उसने जनता में विश्वास पैदा किया है। योगी जी और मोदी जी का बेहतर समन्वय और उत्तर प्रदेश सरकार का सुशासन, निचले स्तर पर जो नगरीय सेवाओं को किया है, पूरे प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे जो बिजली आ रही है, 250 विद्यालय माध्यमिक के 5 साल में बन जाते हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव से पहले सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से जारी नोटिस को लेकर विपक्षी नेताओं ने एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी प्रदीप वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष नेताओं पर नोटिस जारी कर चुनाव ना लड़ने का दबाव बनाने का काम कर रही है, ताकि कांग्रेस किसी भी तरीके से नगर निगम में अपनी जीत का डंका ना बजा सके। इस रणनीति को लेकर दबाव बनाकर चुनाव ना लड़ने का काम भाजपा सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है, जबकि भाजपा सरकारी गतिविधियों को लेकर प्रदीप वर्मा ने कहा कि नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष जाऊंगा, पर किस तरह की पैरवी नहीं करूंगा, सरकार में दम है तो जेल भेज दे। भाई रात को 1:30 बजे मुझे 107/16 का नोटिस दिया गया और उसमें जो लैंग्वेज है वो ऐसी है जिसपे मुझे एक शिक्षित व्यक्ति और कानून का जानकार होने के बाद दिक्कत हुई। एक प्रत्याशी को ये अप्रियंचन है कि आप चुनाव प्रचार करेंगे, इसलिए आपको पाबंद किया जाता है, ये लोकतंत्र की हत्या है। वो पेपर की फोटोकॉपी मैं आप साथियों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ लें और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने दायित्व का निर्वहन करें। मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया है और ये अकेला मेरा नहीं, मेरे साथी कार्यकर्ताओं का, मेरे पार्टी के पदाधिकारियों का। The cat sat on the mat.
लखनऊ में एलडीए ने हजरतगंज, कृष्णा नगर और पारा क्षेत्र में 3 अवैध निर्माण सील किए हैं। प्रवर्तन जोन 3 और प्रवर्तन जोन 6 की टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि पारा थाना क्षेत्र के पूर्वी दीन खेड़ा में सेंट मैरी स्कूल के पीछे लगभग 2000 वर्ग फीट क्षेत्रफल के भूखंड पर बेसमेंट और भूतल का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं कृष्णा नगर के विजयनगर में आसाराम बापू आश्रम रोड पर लगभग 4500 वर्ग फीट क्षेत्रफल में 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण भी कराया जा रहा था, जिसे कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है। कानपुर में जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां लाखों लीटर गंदे नाले के पानी की वजह से गंगा नदी लगातार दूषित हो रही है। सरकार की योजना कानपुर में सफल होती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत नालों को बंद करने का काम किया जाना था, लेकिन जल निगम के अधिकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए, जबकि वर्तमान में कानपुर के कई बड़े नाले और सीवर का पानी सीधा गंगा में गिर रहा है। लाखों लीटर गंदे नाले के पानी से गंगा मैली हो रही है। तो कानपुर में लगातार जो गंगा है वो मैली हो रही है, और लगातार गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे का अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन कानपुर में जल निगम के अधिकारियों द्वारा इस परियोजना पर लगातार पलीता लगाया जा रहा है, क्योंकि जो गंदा नाले का पानी है वो अभी भी कानपुर में गंगा नदी में गिरता है, जिससे नदी पूरी तरीके से दूषित हो रही है। तो गंदे नाले के पानी से गंगा दूषित हो रही है, ये तस्वीरें कानपुर से है। गंगा बैराज की तस्वीरें भी प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि गंगा की सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट का भी शुरुआत की गई थी, और इसमें कहा गया था कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही थी, गंदा पानी गंगा में ना जाए, इसके लिए भी लगातार सरकार कवायद कर रही थी, लेकिन कानपुर का जल निगम सरकार की ही आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि कानपुर में अभी भी गंदे जो नाले का पानी है, जो गंदे सीवर का पानी है, वो अभी भी गंगा में जाता है, जिससे गंगा दूषित हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे अभियान तक चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कानपुर में लगातार जो गंगा जो नदी है वो मैली हो रही है। जी मुस्कान, कानपुर में जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की पहले देखा जाए तो अभी बजट आने के साथ देखा है, योगी 2.5 बनने के बाद बजट आया, उसमें 700 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है। उसमें इस प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लगातार नमामि गंगे गंगा साफ को लेकर कई अभियान चला चुकी है, पर लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगभग 1.5 साल पहले आए थे इसी नाले को लेकर के, उन्होंने रोक लगाई थी, उसके बावजूद देखा तो अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं जो है जो उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वीडियो के माध्यम से साफ दिख रहा है कि पूरी तरीके से कि जो गंदा पानी जो है आसपास से जो 14 से 15 नाले जो है वो लगातार जन्म गिर रहे हैं। उपेंद्र, लेकिन जिस तरीके से जल निगम के अधिकारियों द्वारा ये लापरवाही की जा रही है, तो आखिर उन अधिकारियों पर एक्शन कब लिया जाएगा? जी अगर बताए जल निगम के अधिकारी की बात किया तो प्राइम टीवी के जो प्राइम टीवी से बात करें, उन्होंने बेचक हट गए थे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि मैं मीडिया के सामने आ पाऊंगा, मेरे अधिकारी बाइट नहीं दे पाऊंगा, पर कहीं ना कहीं देखा तो जो इतना बड़ा जो ये सारा सीवर का पानी गिर रहा है, इसको लेकर गंगा लगातार मैली हो रही है, और आसपास की जो फैक्ट्रिया है उसके जो केमिकल है वो भी लगातार देख लीजिए आप साफ साफ वीडियो में दिखा होगा, सारे वीडियो जो गंदा पानी है उसके माध्यम से केमिकल जो है गंगा में पूरा मिल रहा है, पर लोग यहाँ पूजा अर्चना करने में पड़े हुए हैं, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, यानी कि उपेंद्र, जब आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो आपके सवालों से बचते हुए नजर आए। धन्यवाद उपेंद्र हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर डॉल्फिन अनुभूति केंद्र भिटौरा में स्कूली बच्चों और डॉल्फिन मित्रों को प्रशिक्षित और जागरूक किया गया। मुख्य वन संरक्षक प्रयागराज जोन समेत वन विभाग के अधिकारियों ने डॉल्फिन मित्रों और स्कूली बच्चों को गंगा किनारे जंगल क्षेत्र में भ्रमण कराकर डॉल्फिन और अन्य पशु पक्षियों के बारे में भी जागरूक किया है, जिससे जन जन तक इस जलीय जीव के संरक्षण और महत्व के बारे में जागरूकता फैल सके। मेरा नाम सचिन पाल है और मैं फतेहपुर में 12 डॉल्फिन पाई गए हैं, खोजा गया है जिसमें से 12 डॉल्फिन मिले हैं, और हम चाहते हैं कि इन्हें संरक्षित रखा जाए और इन्हें और अधिक बढ़ाया जाए, ताकि हमारे मतलब ये जो डॉल्फिन है
ये हमारे लिए बहुत ही अति उपयोगी, यहाँ पे डॉल्फिन संरक्षण का कार्यक्रम था जो हमें डॉल्फिन को बचाना चाहिए। जैसे कि नदी में है डॉल्फिन को हम कैसे बचाएं, तो नदी में जो कूड़ा कचरा है उसमें नदी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब नदी में कूड़ा कचरा चला जाता है तो डॉल्फिन जैसे खाएंगे उसे तो उनके पेट में जाएगा। जी आज ओम घाट पे डॉल्फिन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, डॉल्फिन को कैसे बचाना है और हमें कैसे गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना है, और कई जानकारियां हमें इस पवित्र स्थल पर प्राप्त भी हुई हैं। डॉल्फिन अपने इंडिया में बहुत, मतलब इसका बहुत ही कम संख्या में देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी हमने जानकारी प्राप्त की, इस ओम घाट पे 12 डॉल्फिन मिलती हैं देखने के लिए, लगभग 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में इस पे 12 डॉल्फिन हैं। तो उनमें से यहाँ पे अब ये एरिया जो है मछुआरों का एरिया है। देखिए यहाँ पे गंगा जी में डॉल्फिन पाया जाता है और ये विशेष प्रकार का डॉल्फिन है। केवल गंगा जी और आपका शारदा रिवर वगैरह जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज है इसके अंतर्गत ये पाया जाता है। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती है नहीं है, क्योंकि दिखता कम है, ये नदी के अंदर रहता है। लेकिन ये गैंजेटिक डॉल्फिन जो होती है ये स्वच्छ पानी में रहता है और एक बायो इंडिकेटर के रूप में काम करता है। जहाँ पर डॉल्फिन पाया जाता है इसका मतलब है गंगा जल वहाँ पर, गंगा नदी वहाँ पर साफ सुथरा है। जन सहभागिता के द्वारा पर्याप्त मात्रा में इसके बारे में लोगों को, विशेषकर शिकारी लोगों को बीच बीच में बैठाल करके ये चर्चा की जाती है और उनको ये समझाने का प्रयत्न होता है कि यदि आप इस जीव का संरक्षण करें तो आने वाले यात्रियों से भी आपकी जीव का चल सकती है। बिटौरा का कम से कम 15% शिकारी अपने शिकार को रोक चुका है इस पट्टी पे, लेकिन फिर भी पर्याप्त शिकारी है। तो जो प्रयत्न चल रहा है उन शिकारियों को समझाने का कि इसके माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित परिषदीय परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण जनपद के मेधावी छात्र छात्राओं का कलेक्ट्रेट सभागार में अलंकरण समारोह आयोजित हुआ, जहां डीएम ने पुलिस अधीक्षक के साथ 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले 10वीं के 11 और 12वीं के 9 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल और उपहार देकर सम्मानित किया है। समय और आपके बच्चों ने कुछ मेधावी बच्चों को सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे? अर्चना मराठी, इस समय बाल शिक्षा निकेतन गर्ल्स एडेड कॉलेज की प्रिंसिपल के पद पर हूँ और हमारे बच्चों ने जनपद में, विशेष करके जो वैज्ञानिक वर्ग की छात्रा है अर्चिता यज्ञ सैनी, उसने जनपद में 96.95% लेकर के बहुत जनपद में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया और लड़की होनहार है और बाकी प्रयास मार्गदर्शन है विद्यालय का और बाकी टीचर्स की भी उसमें। आज जनपद से उसको सम्मानित किया गया जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और कैसा महसूस करते हैं आप? जितनी खुशी हमें हो रही है उसको हार्दिक प्रसन्नता, उसको तो हम को इस आज डीएम साहब से सम्मान मिला है, क्या विचार है? और आज आपको सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में स्थित सृष्टि अपार्टमेंट के लोग आवारा कुत्तों के आतंक से लगातार परेशान हैं। बता दें कि अपार्टमेंट में रहने वाले बुजुर्ग को कुत्तों के झुंड ने नोच डाला और बताया जा रहा है कि वो रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। अपार्टमेंट के सर्विस लेन पर एक युवक को कई कुत्तों ने घेर रखा था, जिसको बचाने के लिए वो दौड़े लेकिन उनका पैर फिसल गया, जिसके बाद कुत्तों के झुंड ने उन पर ही हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड ने बुजुर्ग के पैर और हाथ के मांस को निकाल लिया। किसी तरह से बुजुर्ग अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और जानकारी के मुताबिक इस अपार्टमेंट में कुत्तों ने लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया है। निवासियों का आरोप है कि कई बार नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी को मामले के लिए जानकारी भी दी जाती है लेकिन कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती है। विवेक जी, लगातार सृष्टि अपार्टमेंट में कुत्तों का आतंक बना हुआ है, अभी भी बुजुर्ग को कल कुत्ते ने काटा है, क्या था मामला, कैसे हुआ?
देखिए यहाँ पर सारे शासन प्रशासन को सबको पता है, लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी को भी पता है कि यहाँ पर अवैध रूप से जो यहाँ पर दुकानें लग रही हैं, जो आपके खाने पीने की जो वस्तुएं यहाँ पर लगाते हैं, इसके अलावा जो मीट की दुकानें अवैध रूप से यहाँ पर संचालित हो रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से हटाइए, क्योंकि कुत्ते इसी की वजह से ये लोग बाहर से खाकर आते हैं और यहाँ पर रोटियाँ जो लोग डालते हैं वो रोटी तक नहीं खाते। बार बार कहा जा रहा है कि इन अवैध दुकानों को हटाइए, लेकिन इस पर कहीं कोई बुलडोजर दूध मिला नहीं, दुकानें बंद थी उस समय। लौट के आ रहा था तो कोने पर एक आदमी के ऊपर कुत्ता झपट रहा था, उसे बचाने के लिए मैं आगे बढ़ गया, मेरे पास वॉकिंग स्टिक थी उस समय, मैं टहल के आया तो उसने उसे तो छोड़ दिया, मेरे ऊपर अटैक किया तो पहले उसने मेरे पैर पर अटैक किया, जांघ पर। उसे बचाने के चक्कर में मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया। गिरने के बाद उसने मेरे हाथ पर अटैक किया और पूरा हाथ इस तरह से काट डाला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, लगातार लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में पूरी तरीके से जो आवारा कुत्तों का आतंक है वो जगह जगह है। सबसे बड़ी समस्या रहायशी इलाकों में आ रही है, रियायती इलाकों में आ रही है, जैसे अभी देखा जा रहा है सृष्टि अपार्टमेंट की, तो यहाँ अभी तक लगातार अगर बात की जाए तो लगभग 50 लोगों को वो शिकार कुत्ते अपना बना चुके हैं और बुरी तरीके से वो पूरी 10-12 की छुल्लू में होते हैं। कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की गई है, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार अधिकारियों से कहा गया वो जानवरों को पकड़ते हैं, कुत्तों को पकड़ते हैं, ले जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा छोड़ देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आतंकित हो रहे हैं कुत्ते। सबसे बड़ा जो सामने मामला निकल करके आ रहा है, यहाँ लखनऊ जल कल्याण महासमिति के जो उपाध्यक्ष है विवेक शर्मा, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रास्ते में कई सारी मिर्च की दुकानें खुले में लगी हुई हैं, वहां पर वो मांस फेंका जाता है, इसलिए कुत्ते यहाँ पर ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह है। अब नगर निगम विभाग का पशु कल्याण अधिकारी क्या कर रहे हैं, इस पर किस तरीके की प्रक्रिया कर रहे हैं? फिलहाल जिस तरीके से एक 78 वर्षीय बुजुर्ग को 4-5 कुत्तों ने गिरा करके और पूरे हाथ की करीब 2 इंच, रितेश बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। तो क्या जो पशु कल्याण विभाग के अधिकारी है, क्या वो किसी बड़ी घटना का होने का इंतजार कर रहे हैं तब वो एक्शन लेंगे? देखिए मुस्कान, कई बार मेरी बात हुई है पशु कल्याण अधिकारी अभिनव वर्मा है, डॉक्टर अभिनव वर्मा, उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने एक कुत्ते को पकड़ने का दावा भी किया है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की झुंड में अगर भी जांच वहां की जाए तो अभी कम से कम वहां पर 10 से 20 की संख्या में कुत्ते उस प्रांगण में चोर मिल सकते हैं जहां पर ये लोग रहते हैं। तो यहां पर लोगों का निकलना दूभर हो गया है, मॉर्निंग वॉक दूभर हो गया है, छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेल नहीं सकते, ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आवारा कुत्तों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, मारा नहीं जा सकता, उसके लिए भी अभी समाज सेवी ने एक मुहिम छेड़ा, उन्होंने कहा भी है कि जिस तरीके से आवारा पशुओं के लिए आश्रय बन रहा है वैसे कुत्तों के लिए भी आश्रय बनाया जाए, ताकि वो आज इंसानों को काटे ना, वो अपनी जगह रहे और इंसान अपनी जगह रहे। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, जिस तरीके से कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चे भी उसमें चोटिल हो रहे हैं, बुजुर्ग भी चोटिल हो रहे हैं और बड़े लोग भी चोटिल हो रहे हैं। ठीक है रितेश, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि समाज सेवियों द्वारा अब ये काम किया जा रहा है ताकि जो कुत्ते हैं उनके लिए एक आश्रय स्थल बनाया जा रहा है, तो क्या जो सारी जिम्मेदारी है वो आम जनता और समाज सेवियों की है, क्या अधिकारियों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है ऐसे मामलों पर? देखिए नगर निगम विभाग तो पूरी तरीके से मुंह मोड़े हुए है, वो आवारा पशु है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जितने भी गौवंश पशु हैं उनको आश्रय स्थल तक, गौ आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाए, लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो पूरे लखनऊ में आपको जगह जगह गौवंश घूमते मिल जाएंगे, पॉलीथिन खाते मिल जाएंगे, तो जब गौवंश को अधिकारी नहीं पहुंचा पा रहे वहां तक, तो आवारा कुत्तों को कहां तक पहुंचाएंगे? यहां तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जो आम जनता है वो जनता झेलेगी, निकलते हुए उनको कुत्ते काट रहे हैं, कहीं उनको सांड गिरा दे रहा है, कहीं बच्चे चोटिल हो रहे हैं, तो इस सब जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बनती है जो आंख मूंदे हुए है। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।